और आज हम आए हैं जी अपना लंच करने के लिए रामबाग रेस्टोरेंट में। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये, वो राम प्रताप पैलेस होटल है और ये राजबाग रेस्टोरेंट है। और ये आ गया जी हमारा फूड, और ये है जी शेफ। जंगली मांस, तो आ गया जी हमारा लाल मांस, जंगली मांस। सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होर जी किदां सारे, आई होप तुसी सारे वधिया होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सत श्री अकाल जी सारेयां नूं। और सुबह से बारिश हो रही थी, अभी जस्ट बारिश रुकी है, तो हम सोच रहे हैं चलो इससे पहले बारिश दोबारा स्टार्ट हो जाए हम फटाफट निकलते हैं। प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए हमने सोचा कि हम लिफ्ट से नहीं स्टेयर से जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था, अभी बारिश बहुत तेज होके हटी है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ये। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम उदयपुर आए हुए हैं और आज हम आए हैं जी अपना लंच करने के लिए रामबाग रेस्टोरेंट में, जो कि है फतेह सागर लेक पर, और ये एक लेक व्यू रेस्टोरेंट है। तो चलो चल के इनका फूड ट्राई करते हैं और लेक व्यू एंजॉय करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। और मेरे पीछे आप फतेह सागर लेक देख सकते हो उदयपुर की, बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ बैठे हैं जोरावर सिंह। हेलो जोरावर, जोरावर की खाओगे? अच्छा जी, ओके। हाँ जी, डेजर्ट की खाओगे? व्हाइट कलर की आइसक्रीम, वनीला बनाले, ब्राउनी। ऑलराइट, क्या रहा? जिस फतेह निवास होटल में हम रह रहे हैं वो भी फतेह कलेक्शंस का ही है, और ये जो राजबाग रेस्टोरेंट है इन्हीं का राम प्रताप होटल भी है इसी प्रॉपर्टी में। वो ये होटल है और हम इस वक्त इस एरिया में और इस हट में बैठे हैं। ये फतेह निवास होटल है जहां हमने स्टे किया है। तो इनकी फतेह ग्रुप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर उदयपुर में, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ है। भाई राजस्थान आए हैं ना, तो हमेशा यही दिल करता है मेरा कि राजस्थानी फूड इंजॉय किया जाए। जयपुर में हमने लाल मांस ट्राई किया था, बहुत स्वाद था, और अब उदयपुर आए हैं तो यहाँ का भी हम लाल मांस ट्राई करेंगे। और एक स्पेशलिटी है मटन डिश की, जो कि जंगली मांस है, वो भी हम ट्राई करेंगे। तो ये दोनों ऑथेंटिक राजस्थानी डिशेज हैं, वो हम आज ट्राई करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने कल कचौरी ट्राई की, आलू प्याज की कचौरी ट्राई की उदयपुर में, तो उदयपुर की कचौरी का टेस्ट डिफरेंट था, और जो हमने जयपुर में आलू प्याज की कचौरी ट्राई की थी उसका टेस्ट डिफरेंट था। तो ऐसे ही राजस्थान के जितने भी अलग अलग शहर है, हर जगह का एक अपना टेस्ट है, एक डिफरेंट टेस्ट। इसी तरह से जो लाल मांस है वो राजस्थान के हर शहर में डिफरेंट तरीके से बनता है, लेकिन उसका जो मेन बेस है लाल मांस का, वो इनकी स्पेशल मठानियाँ, रेड मिर्च होती है, वो इसमें डलती है,
बाकी मसाले थोड़े चेंज होते रहते हैं सिटी के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, लेकिन डिश वही होती है। लेकिन उसकी जो मेन जान है डिश की, लाल मांस की, वो है राजस्थानी मठानिया लाल मिर्ची। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, लेक व्यू है प्रॉपर, और अब खाने में बहुत मजा आएगा। लेक व्यू कितना लग गया थानू? ओए बटरफ्लाई सीट्स, अरे वाह, और वो सामने आप इन्हीं का जो होटल है राम प्रताप पैलेस वो देख सकते हो, वो राम प्रताप पैलेस होटल है और ये राजबाग रेस्टोरेंट है। और वो भी रेस्टोरेंट एरिया है, आप चाहो तो वहाँ इंडोर में भी बैठ सकते हो, पर हमने सोचा यार बाहर एकांत में हट में बैठते हैं, प्राइवेसी भी और व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से। और ये आ गई जी हमारी छाछ बटर मिल्क, क्योंकि जैसे कि हमने मटन डिशेस मंगाई है वो गर्म होती है, तो साथ में ये ठंडी तासीर वाली बटर मिल्क यानी छाछ। और ये आ गया जी हमारा फूड, और ये है जी शेफ, आपका नाम? सोहन सिंह। सोहन सिंह जी, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हैं वो बेशक खाने वाला जो पार्ट है वो ना देखें, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, जगह बहुत अच्छी है, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, आप इतना पार्ट ज़रूर देख लें, लेकिन जो खाने वाला पार्ट है वो आप स्किप कर दें। ये मैं पहले ही आपको बता दूँ, क्योंकि आज हमने सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज मेन्यू ही मंगवाया है। जंगली मांस, लाल मांस, जंगली मांस, तो चलो फटाफट खाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे जी जंगली मांस, एकदम रॉ डिश होती है, प्रिपरेशन भी एकदम रॉ होता है, सिर्फ देसी घी, मटन, बहुत सारा लहसुन और बहुत सारी मठानिया लाल मिर्च होती है इसमें, और नमक, बस दैट्स इट। बहुत तेज़ हवा चल रही है, ये पता नहीं मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुन रही है कि नहीं, पर बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये है जी फेमस राजस्थानी लाल मांस। तो जी चलो, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है, कांट वेट, फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दादा, मैं भी कहूंगा लाल मांस। ओके पुत्र, तुझे फोन होटल खाया सी? यस, फोन होटल जयपुर चप्पा खाया सी। गुड बॉय, रियली कांट वेट, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब सब पहले हम टेस्ट लेंगे लाल मांस का। देसी घी, खड़े मसाले, लाइट मतलब स्पाइसी भी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब स्पाइसी है, लाल मांस स्पाइसी नहीं होगा तो और क्या होगा, है ना, बहुत ज़्यादा स्वाद, कमाल टेस्ट, जयपुर से थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्वाद है, एकदम जो फ्लेवर्स है ना
पता लग रहा है कि हाँ जी कोई राजस्थानी डिश खा रहे हैं, मजा आ गया। अब ट्राई करेंगे जंगली मांस। तो जंगली मांस तो मैं ऐसे ही ट्राई करूंगा पहले। तो जंगली मांस मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा टेस्ट है। बीच में बड़े बड़े गार्लिक के क्लोव्स भी है जो फ्राई करके डाले हुए हैं। गार्लिक एकदम रॉ, एकदम जिसे कहते हैं ना जंगी। ये जो जंगली मांस है इसकी इजाद ऐसे हुई है, इसकी हिस्ट्री ये है कि जब राजे महाराजे रॉयल फैमिली के लोग जब जंगल में शिकार के लिए जाया करते थे तो अपने साथ में बहुत थोड़ा सा ही इंग्रेडिएंट्स लेके जाते थे, क्योंकि उन्हें होता था जंगल में जो भी शिकार उन्हें मिला उसका शिकार करके फ्यू इंग्रेडिएंट्स डालकर वो शिकार फटाफट तैयार करते थे और खाते थे। तो इसीलिए जंगली मांस ऐसे उन्होंने ईजाद किया। इसमें डलता है देसी घी, मटन, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, दैट्स इट। तो इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी ज़बरदस्त डिश तैयार होती है जिसका नाम है जंगली मांस। वेरी टेस्टी, वेरी डिफरेंट, लाजवाब। मम्मी है मांस मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और इतना ज़्यादा स्वाद, मतलब इतने सोचो ना इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी स्वाद डिश तैयार होती है, क्या बात है। इसे मैं घर पर भी जाके ट्राई करूँगा, ज़रूर बना के शेफ से मैं इसकी रेसिपी ले लूँगा और घर पर जाके ज़रूर ट्राई करूँगा। मैं जंगली मांस तुमने बताया मुच्छा बन की लस्सी भी के मेरे वांग ये तो मैं लायन लग रही हुई यार। आप देख सकते हो हम बैठे थे और बारिश फिर शुरू हो गई है, पर मज़ा आ रहा है शेड के नीचे हम, तो कोई वैसी टेंशन वाली बात नहीं है, मज़ा आ रहा है, बारिश का व्यू भी एंजॉय कर रहे हैं। इस बारिश में लेक तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, व्यू तो देखिए आप यहाँ से कितना ज़बरदस्त व्यू है ना। बहुत तेज़ होगी ये बारिश, अब बारिश रुकने तक यहीं बैठना पड़ेगा। चलो बढ़िया है, यू भी इंजॉय हो रहा है। उन्होंने हमें खाना सर्व किया, वो हमसे कह रहे थे कि बैठो आप आराम से, अभी ये भी आप ही की प्रॉपर्टी है, आप फतेह निवास में रह रहे हो, ये भी फतेह निवास का ही है तो आप ही की प्रॉपर्टी है, जितनी देर मर्जी बैठे रहो। मतलब बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी इनकी, बहुत अच्छा इनको जब हमने बताया, वैसे तो ये सभी की केयर अच्छी से लेते हैं जो भी गेस्ट इनके पास आते हैं, लेकिन जब हमने इन्हें बताया कि हम फतेह निवास में स्टे कर रहे हैं तो बड़े खुशी हुए कि आप तो हमारी प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं, वहाँ रहे यहाँ रहे एक ही बात है, हम हैं आपकी सर्विस में। तो बड़ा अच्छी तरह से इन्होंने हमें सर्विस दी। वही कह रहे थे वहाँ बैठे यहाँ बैठे एक ही बात है, आराम से बैठो, जितने देर दिल किया उतनी देर बैठो, व्यू एंजॉय करो। हाँ। नहीं तो हमने खाना खाना था निकल जाना था, अब बारिश हो रही तो बहाने से बैठ गए, व्यू एंजॉय कर रहे हैं, बारिश एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, बारिश में देर हो रही। थानू कैसे लगे इत्थे आके? अच्छा, पर ना बारिश हो रही है। बारिश नाल तां होर अच्छा हो गया मौसम। मैनू दसो थानू लाल मांस यम्मी लग्या? हां जी। स्वाद सी? हां जी। तो ठीक है जी, आज का ब्लॉग फिर हम यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली तो वीडियो को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर ले, लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑलराइट देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।